परवाणु सोलन फोर लेन निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही फोर लेन से केंद्र सरकार की आय आरंभ हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परवाणु सोलन फोर लेन पर दो दिन पहले टोल प्लाजा आरंभ कर दिया है। कोरोना काल के इस दौर में जहां प्रदेश वासियों को राहत मिलनी चाहिए थी, वहां आनन फानन में टोल प्लाजा आरंभ कर उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है, जिसके चलते प्रदेश वासी सकते में आ गए हैं। सोलन वासियों ने इस टोल प्लाजा पर तीखी टिप्पणी दी और कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने प्रदेशवासियों को नायाब तोहफा दिया है, और कहा कि कोरोना काल में टोल प्लाजा आरंभ कर प्रदेश की गरीब जनता के संचित धन पर डाका डाला जा रहा है, जो सरासर गलत है। तीखी टिप्पणी करते हुए शहरवासियों ने कहा कि अभी फोर लेन बन रही है, उसका कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, यहां तक कि अभी उसका उद्घाटन करना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही टोल प्लाजा का उद्घाटन कर प्रदेशवासियों की जेबें ढीली की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले फोर लेन का कार्य पूरा होना चाहिए था, लोगों को पहले सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, उसके बाद टोल प्लाजा आरंभ किया जाना चाहिए था। अधूरे काम में बिना उद्घाटन के टोल आरंभ करना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से केवल लोगों में रोष व्याप्त होगा और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। टोल टैक्स लगाने की बात है तो अभी तक जो वो हाईवे है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, और जैसे कि कोरोना काल चल रहा है तो लोगों की आमदनी पहले ही बहुत कम है, और नया टैक्स लगाने से उनकी जेब पे और भार पड़ेगा, तो मैं तो इसे उचित बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और सरकार से दरख्वास्त भी करता हूँ कि जो अभी ये टोल टैक्स शुरू किया गया है उसे कुछ टाइम के लिए स्थगित किया जाए और पहले हाईवे को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया जाए। ये परमाणु में एक एंट्री फीस कटती है हिमाचल की एंट्री की, और एक टोल टैक्स हमारा यहाँ पे सनवारा में एक और लगाया गया है। तो अगर आप सपोज कीजिए कि आपने अगर चंडीगढ़ ही जाना हो तो 85 रुपये का टोल टैक्स जो सनवारा में है, और 40 रुपये की पर्ची जो परमाणु में कटती है। उसके अलावा एक अतिरिक्त जो तूड़ी के ताल के पास काटी जाती है तो लगभग 200 रुपये के आसपास आपको अतिरिक्त भार, जो मैं कह सकता हूँ, देना पड़ता है। और यही है कि सरकार इस टोल टैक्स को अभी फिलहाल कोरोना काल में स्थगित करे और जनता के ऊपर जो बोझ डल रहा है उससे थोड़ा निजात दिलाए। मैं ये कहना चाहूँगा, इस टाइम कोरोना की स्थिति पहले ही बहुत बिगड़ चुकी है और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है, और ऐसे दुर्भाग्य पूर्ण समय में ऐसे टैक्स और टोल टैक्स नहीं लगने चाहिए, और सरकार को तुरंत से तुरंत इसे हटाना चाहिए, क्योंकि पहले ही लोगों की बहुत दिक्कत है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है देश की, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, ऊपर से भारी भरकम टोल टैक्स लिया जा रहा है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसे हटा लिया जाए। देखिए, ये जो अभी टोल टैक्स प्रारंभ किया गया है, टोल प्लाजा, ये बड़ा अजीब सा एक फैसला सरकार का लग रहा है। केंद्रीय सरकार ने अभी तक इस फोर लेन का उद्घाटन तक नहीं किया है। पहले ये फोर लेन प्रॉपर वे में बनती, सारी सुविधाएं लोगों को मिलती और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना होती, तो ये टोल प्लाजा प्रारंभ करना चाहिए था। अभी भी कई जगह सिंगल डबल लेन हो जाती है फोर लेन की बजाय, उधर से काम बंद होता है, और इसका मतलब तो ये हुआ जो पहले डबल लेन थी उस डबल लेन पे इन्होंने टोल प्लाजा लगा दिया है। तो पहले सरकार प्रॉपर तरीके से इसे पूरा बनाती, पूरे तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस काम को पूरा करती और लोगों को प्रॉपर सुविधा मिलती तो इसे प्रारंभ किया जाता तो कोई बात समझ में आती थी। अधूरे काम में बिना उद्घाटन के बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि टोल प्लाजा का उद्घाटन हो रहा है, रोड का उद्घाटन अभी हुआ नहीं है, फोर लेन का उद्घाटन अभी हुआ ही नहीं है, मगर इसका उद्घाटन टोल प्लाजा का कर दिया गया है। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। और दूसरे हमारा ये कहना है, जो इस टोल प्लाजा के नज़दीक रहने वाले लोग हैं सोलन तक,
तो कम से कम सरकार को उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को उनके लिए रेट कम करने चाहिए। जो गाड़ियां हमारे जिला में रजिस्टर्ड हैं या हिमाचल में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रेट कम रखना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है, अंधेर नगरी है ये, इसे सरकार को सोचना चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि इससे जनता में सिर्फ रोष व्यापक होगा और बाकी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो हमारा तो ये कहना है कि ये टोल प्लाजा तब आरंभ हो जब इसका उद्घाटन हो, प्रॉपर पूरी सुविधाएं लोगों को पूरे एरिया में मिले और इनके जो रेट बहुत ज़्यादा हैं उन्हें कम किया जाए और हिमाचल के जो लोग इस तरफ के आने वाले हैं उनको तो घर आने के भी डबल पैसे हो जाएंगे।